तो सारे भाई कैसे हो? आपने मैगी तो बहुत खाई होगी, 10 रुपये वाली, 14 रुपये वाली। आज हम खाने जा रहे हैं कोरिया की कोरियन रेमन स्पाइसी मैगी, जो कि नॉर्गे है। तो भाई मैंने सुना है ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों ही देश बहुत चाव से खाते हैं, और ये BTS की भी बहुत फेमस है। तो भाई BTS को अगर पसंद है तो भाई आपको पता ही है, भाई उनके फैन आर्मी तो खा के रहेगी मैगी। तो आज हम इसी मैगी को ट्राई करेंगे, जिसका नाम है कोरियन रेमन मैगी। और भाई इस पर पहले लिखा हुआ है कि भाई ये मैगी बहुत स्पाइसी रहने वाली है। तो भाई देखते हैं ये कैसी मैगी रहती है, और आज मैं आपको इनका टेस्ट बताऊंगा कैसा है। और यही बात करी जाए इसकी MRP की, तो भाई ये मैगी पड़ी हमको पूरे 60 रुपये की, समझ रहे हो भाई? जहाँ 10 या 14 रुपये की मैगी मिल जाती है, वहाँ 60 रुपये मैगी है। तो भाई 60 रुपये खर्चा है मैगी पे, लाइक सब्सक्राइब करो फटाफट। तो भाई सबसे पहले हम करेंगे अपना पैन ऑन। पैन ऑन करने के बाद इसमें लिखा हुआ था कि हमने इस पर डालना 0.5 लीटर पानी। तो भाई हम अब 0.5 लीटर लिखा है, तो हम 0.5 लीटर ही पानी लेंगे, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं पीछे हम वैसे के वैसे ही यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई हमारे को तो पता नहीं कि भाई कोरियन की मैगी कैसे बनाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ कोरियन मैगी। तो देखिए मैंने ये पॉज भी कर दिया, पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है इस पर, कि भाई 425 ml पानी डालना है। और देखिए अब हमारा पानी उबल चुका है, अब हम इसके अंदर से लगा लेंगे सामान, कि भाई 60 रुपये का क्या सामान निकला है। तो भाई अंदर लिख लिया एक मोटी सी मैगी, थोड़ी मोटी मैगी थी, और उसके अंदर लिख लिया कि देखिए कोरियन में क्या लिखा है, वेजीज़, और पीछे लिखा हुआ है कोरिया में ही किमची सीजनिंग। भाई कोरियन फैन या कोरिया वाले कोई बंदा देख रहा हो तो बता देना भाई ये क्या लिखा है कोरिया में। मैंने थोड़ी सी वीडियो पॉज भी कर दिया ताकि आप मेरे को कमेंट में बता सके भाई ये कोरिया में क्या लिखा है। अब देखिए अब हमारा पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें लेंगे अपनी मैगी। मैगी आम मैगी ये थोड़ी मोटी है मैगी नोर की कोरियन रेमन, तो भाई मेरे हिसाब से उनको मोटी मैगी पसंद होगी। बाकी भाई बाकी अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या मेरे को नहीं पता होता आप मेरे को बता देना। और अब हम इसमें डालेंगे कोरिया का ये वेजेस का पैकेट। अब वेजेस पैकेट में भाई बड़ी एरोमेटिक खुशबू थी इसके अंदर, मैंने देखा डिस्क्रिप्शन में तो मेरे को पता चला इसके अंदर थाइम है, सेसमी है, मशरूम्स है, कैबेज है, कोरिया की किमची है, और टोमेटोज थे, ड्राइड ऑनियन थे, ड्राइड गार्लिक था। तो भाई सब्जियों के मामले तो काफ़ी अच्छी, मतलब इन्होंने दे रखी है क्वांटिटी। तो देखिए हमारी मैगी का रंग ही बदल के था। अब देखिए इसके पीछे क्या लिखा हुआ था कि भाई मैगी को अच्छी तरह हमने बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद हमने गैस ऑफ कर देनी है। जी हाँ, हमने बिल्कुल सही सुना, जहाँ हम मसाला से डाल देते हमको ऐसे डालना है। और इन्होंने लिखा हुआ था कि भाई आप अगर वेजिटेरियन है तो आप इसमें पनीर डालिए, नॉन वेज है तो आप इसमें चिकन डालिए, वो आप पे निर्भर करता है। बाकी मैगी प्योर वेज है, तो हम वेज हैं तो भाई हम यहाँ पनीर डालेंगे। तो हमने ये पनीर डाल चुके हैं। अब देखिए अब हमने गैस को फ्लेम को कर देना है ऑफ़, और उसके अंदर अब हमने डालनी है सीजनिंग। देखिए गाइस सीजनिंग देखिए कितनी लाल, भयंकर लाल थी भाई जब इसको डाला ना, और इसकी क्या एरोमेटिक खुशबू आई भाई मेरे को ही पता है। काश यूट्यूब वाले कुछ ऐसा फीचर लगा लेते कि खुशबू हमारे सब्सक्राइबर भी सुन लेते। तो भाई हमने इसके अंदर मसाला डाला इतना, देखिए गाइस आप खुद ही देखिए कितना लाल रंग आया है। अब देखिए अब ने हम इसको अच्छी तरह घुमाएंगे, घूम घूम के गले वाले मोटे मोटे नैन। बस थोड़ी बेसरी है भाई, गाना अपने को आता नहीं, बाकी थोड़ा बहुत कोशिश कर ली। देखिए अब हमारी मैगी ऑलमोस्ट रेडी है, हम इसको 1 मिनट के लिए बोल देंगे बस। अब देखिए हमारी मैगी का फाइनल लुक आ चुका है। देखिए भाई लाल, भयंकर लाल मैगी है, ये तो स्पाइसी लग ही रही है भाई, कोरिया को स्पाइसी पसंद आती है भाई। पर बाकी तो भाई लाल हो पीली हो, हमको तो मेन है टेस्ट। अब हम करेंगे टेस्ट। देखिए अब हमने लिया एक बहुत बड़ी बाइट मैगी की, अब हम इसको खाएंगे एक बारी में। भाई हम पहलवान हैं, हम तो एक बारी में खा लेंगे इतनी सारी। भाई टेस्ट तो ओसम था, गजब का मज़ा आ गया, स्वाद आ गया कसम से। तो भाई आप ये वीडियो ले सकते हैं, ये मैगी आप अमेज़ोन से ले सकते हैं, या आसपास वाले अच्छे मॉल से, या किराने की दुकान वाले भैया को बोल देना, वो भी दे देंगे आपको।